हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा, मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन की पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबका सावन बहुत अच्छे से जाए, सावन का पूरा साल आप लोगों का अच्छे से ही जाए। तो फर्स्ट सावन में मैं पहनने वाली थी साड़ी, और आप देख सकते हो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी भी निकाला था, और ये साड़ी वही है जो मैंने दिवाली में पहना था। पर ऐसा हो गया ना कि फटाफट घर के काम भी नहीं, बस मैंने रोटी और सब्जी बनाई हूँ। और फिर हमें कॉल आता है कि हमारे मतलब जो पड़ोसी हैं उन्होंने कॉल किया, बोलते हैं चलिए हम लोग मंदिर चलते हैं। तो हमने बोला अभी सामने से भोले बाबा बुला रहे हैं तो क्यों ना चला जाए। तो हमने बोला ठीक है चलिए फटाफट। मैं बना रही थी सब्जी रोटी, यहाँ पे देखिए सारे घर के काम वैसे ही पड़े हैं। अगर घर के काम लेने लग गए ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे सब्जी रोटी है जो कि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला था मैं हर सोमवार को जल चढ़ा के ही मुँह में कुछ डालूंगी। तो अभी घर के काम कुछ नहीं किए, फटाफट हम लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ मोनू रेडी हो गए हैं और श्रेयांश और उनके पापा गए हैं गाड़ी में गैस भराने, तो वो आएंगे तो फिर वो लोग भी रेडी हो जाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे साथ में। और कौन कौन जाने वाला है वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। और मैं साड़ी पहनने वाली थी पर बारिश हो रही है ना, फिर मेरा मन हट गया, मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ का जो रास्ता है ना बहुत बहुत ज़्यादा बेकार है, और बारिश भी हो रही है। और श्रेयांश की हो गई है स्कूल की छुट्टी, तो श्रेयांश बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मुझे ख्याल भी नहीं आया और मैंने प्लान में हाँ बोल दिया जाने के लिए। बाद में मुझे ख्याल आया कि श्रेयांश की स्कूल की छुट्टी है, तो वही मैं पूछ रही हूँ श्रेयांश को कि आपकी स्कूल की छुट्टी हो गई है तो आज कैसा लग रहा है। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और बच्चों को हमें ये सारी चीज़ें भी दिखाना ज़रूरी है, मंदिर वगैरह सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं मंदिर के यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए रास्ते में इतनी हरियाली है ना, सच में मैं जहाँ रह रही हूँ ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, आपको मेरे कुछ कुछ वीडियो में देखने के लिए मिल रहा होगा। तो चलिए मंदिर के यहाँ पे पहुँचते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के यहाँ पे और बहुत ज़्यादा नीचे, और ये है पार्किंग। और जो पीछे देख रहे हैं ना हमारे मतलब सब पड़ोसी हैं और अंकल हैं जो पीछे पिंक कलर के शर्ट में, वो हमें उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग चलेंगे, तो हमने भी हाँ बोल दिया क्योंकि सामने से भगवान के मंदिर के यहाँ जाना है तो ना कैसे बोले। तो देखिए यही अंकल आंटी हैं और पीछे माधवी हैं जो कि मेरी फ्रेंड है, और हम सब एक मतलब आसपास में ही पड़ोसी हैं सब जन। और यहाँ का जो रास्ता है देख सकते हो पूरा जंगल का रास्ता है, मतलब पहाड़ पर ही मंदिर है। और ये मंदिर कौन सा है वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग इस रास्ते से गए हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर बताना कि आप लोग गए हो। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का ना आपको छोटे छोटे स्टॉल मतलब दिखेंगे, खाने पीने से लेके सारी चीज़ें। और यहाँ पे बंदर भी काफ़ी हैं, इसलिए मैं बार बार मोबाइल निकाल नहीं पा रही थी। और यहाँ पे नदी झरना बहुत बहुत सारा था, और यहाँ पे हम लोग रुक रुक के फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोस सारे शूट कर रहे थे। और वहाँ पे अंकल को आप देख रहे हो, अंकल बहुत ज़्यादा शौकीन है फ़ोटो निकालने के लिए। और वो जो ब्लैक टी शर्ट में हैं अंकल आंटी के बेटे हैं बड़े वाले। तो हम सब इतने लोग गए थे घूमने के लिए, सब अपनी अपनी गाड़ी से गए हैं, तो बहुत मज़ा आया। और सच में सबके साथ ही मज़ा आता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी गए फ़ोटो शूट कराने। और ये देखिए यहाँ पे भी नदी देखिए किस तरीके से। और सच में हम लोग है ना थोड़ा थोड़ा भीग चुके थे क्योंकि बारिश है ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हमने छतरी लाना ना भूल गए थे, गाड़ी में ही हमने छतरी रख दिया। और रास्ता देख सकते हो ऐसे ही आपको रास्ता पूरा मिलने वाला है, पर सबसे बेस्ट ये कि आप गाड़ी की सुविधा से भी जा सकते हो। पर जब बारिश ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो फिर गाड़ियों का भी आना जाना बंद कर देते, उससे अच्छा आप पार्किंग में खड़ा करके आप वॉक करके पैदल चल के जाके दर्शन कर सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। और देख सकते हो कितनी पब्लिक है, और पहला सोमवार है, मुझे लगा काफ़ी गर्दी होगा पर ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पे आप मंदिर का नाम पढ़ सकते हो, हाँ हम लोग यहीं पे गए थे। और इस बोर्ड के बाजू में जस्ट बाजू में ही देख सकते हो झरना है,
पर पानी का बहाव ज़्यादा था इसलिए मैंने मोबाइल से शूट नहीं किया, पर आते समय आप लोगों के साथ शूट ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे देखिए मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं, एंट्री मंदिर यही है हर हर महादेव। और यहाँ पे मंदिर का दर्शन हम लोग ने कर लिया। और ये देखिए पीछे साइड जहाँ मंदिर से निकलते ही जस्ट बाजू में ये झरना है इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग दर्शन वगैरह कर लिए हैं। और अंदर आपको पता है मंदिर कोई भी हो हमें वीडियो शूट करना अलाउड नहीं रहता है, मंदिर में मोबाइल बिल्कुल नहीं निकालने देते हैं, तो मैंने भी शूट नहीं किया। पर आप लोगों के साथ बाहर सारी चीज़ें शूट कर रही हूँ, सारी चीज़ें बाहर का जो भी है वो दिखाऊंगी। यहाँ पे तीन चार मंदिर और है, जैसे दुर्गा माता जी का है, बजरंग बली का मंदिर भी है बाजू में ही, मतलब अंदर ही आपको सारे मंदिर देखने के लिए मिल जाए। और ये है पीछे का रास्ता मंदिर का, देख सकते हैं मंदिर यहाँ पे है और हम लोग जहाँ से निकले हैं ये बैक साइड ही आपको यहाँ से ही निकलने को मिलेगा। और ये दुर्गा माता जी का मंदिर है, यहाँ पे भी हमने दर्शन किया। ये थोड़े से और ऊपर चढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग अगर यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, अंकल ने बोला नहीं चलो मंदिर चलते, हमें आइडिया कोई नहीं था कि यहाँ पे कैसा मतलब मंदिर होगा, पहाड़ पे हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और हमारा दर्शन वर्शन होने के बाद हम नीचे उतर रहे हैं, चढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं, पर उतरने में ना हमारे पैरों की हो रही थी हालत ख़राब, मैं खुद ही देख रही हूँ स्लो स्लो चल रही क्योंकि मेरे भी पैर दुखने लग गए थे। और आगे चल के आप लोग को दिखाती हूँ झरना, जो मैं आप लोग को बोल रही थी कि मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हो ना रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा, कुछ कुछ दूरियों पे ना आपको झरना नदी बहुत सारा मिलने वाला है। और मैं तो सच बोलूँगी कि आप लोग ना बारिश में ज़रूर जाना, क्योंकि बारिश में जो हरियाली आप लोगों को मिलेगी ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, गर्मी में ठंडी में नहीं, पर आप बारिश में अगर जाते हो ना तो आपको बहुत सुंदर सुंदर। और यही झरने की मैं बात कर रही थी जो मैं आते समय बोल रही थी, देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्लान था फ़ोटोशूट करने का नहाने का, पर बंद कर दिया था सब ने, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे हो चुकी ट्रैफिक हो चुकी थी। और हम लोग आ गए नीचे और अपने अपने रिक्शा पकड़े, अपने अपनी गाड़ियाँ ली और हम लोग निकल चुके अपने घर की तरफ। और बहुत बहुत ज़्यादा हमने किया इंजॉय, और हमने सब भीग चुके थे, श्रेयांश का एक्स्ट्रा कपड़ा लाए थे हमने, पर न आते समय उतनी बारिश नहीं हुई थी तो हमने श्रेयांश का भी कपड़ा चेंज नहीं किया। पर बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, पहला सोमवार का दर्शन मैंने ऐसा सोचा नहीं था, और सही बात है जो सोचते नहीं ना वही होता है, तो मेरे साथ बहुत पहले सोमवार का दिन अच्छा रहा। हर हर महादेव। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।